Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see style the component in our React application. Yeah guys, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम स्टाइल कंपोनेंट को अपने React application में कैसे यूज कर सकते हैं फॉर स्टाइलिंग पर्पस, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि मैं ऑलरेडी स्टाइल कंपोनेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बट वर्जन 19 में क्या सीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी स्टाइल कंपोनेंट जो हमारा नोट पैकेज मैनेजर है वहां पे मैं आ चुका हूँ एंड बहुत इजीली यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है एंड डोंट वरी, इसके ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है स्टाइल कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड बाकी के रिएक्ट वीडियोस को चेकआउट नहीं किया उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ऑलराइट, एक और चीज ये भी बताना चाहूंगा कि गाइस आज से हमारा जो पाइथन मास्टर क्लास स्टार्ट होने वाला है एंड मैंने 99 रुपीज में 3 डेज का लाइव एक्सेस रखा हुआ है जिसमें आपको सब आइडिया आ जाएगा हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इफ यू वॉन्ट गाइस 3 दिन का लाइव एक्सेस आप पा सकते हो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, हरी अप, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको यहाँ पे आना है एंड ये जो दिखाई दे रहा है नोट पैकेज मैनेजर इंस्टॉल बेसिकली npm इंस्टॉल स्टाइल्ड कंपोनेंट कॉपी करना है बस इसको अपने बेसिकली यहाँ पे आइए इस तरीके से। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड ये npm चाहो तो आप एज इट इज लिख के एंटर हिट कर दो, लेकिन मैं बंद से कर रहा हूँ, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं, जस्ट थोड़ा फास्ट है एंड यार दिस इज इट। तो इतना मेरा काम हो गया है। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, द मोमेंट ये मैं करता हूँ एक बार अपने package.json फाइल पे आइएगा एंड मेक श्योर कि यहाँ पे आपका स्टाइल कंपोनेंट जो है वो इंस्टॉल हो चुका हो। इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है ना, ये मेक श्योर करना है कि ये आपको दिखाई दे रहा हो डिपेंडेंसीज के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वंस इतना हो गया तो आपका जो जो भी कोड है उसको रन कर दो, बन एंड देन डेव, चलते रहने दो बैकग्राउंड में किसका क्या जा रहा है, राइट। तो 5174 में मेरा वो रन कर रहा है, सो वी हैव अ लोकल होस्ट 5174 एंड या दिस इज इट। सो ये अभी तक हमने इतना ऑसम बना लिया है, आज इसी को ही मैं स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू भी आपको करके बताऊंगा। ये है ना कितना ऑसम कि हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे सब कुछ। ऑलराइट, package.json फाइल को हटाइए, इसको भी हटा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। Netflix सीरीज इसको भी हटा दीजिए। सो गाइस हमारा ये जो सीरीज कार्ड है इसके साथ हम खेलेंगे। ऑलरेडी हमने इसमें मॉड्यूल्स यूज किया हुआ है, बट आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपने CSS मॉड्यूल्स तो यूज किया है लेकिन साथ ही साथ अगर आपको स्टाइल्ड कंपोनेंट भी यूज करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। स्टाइल कंपोनेंट के बहुत सारे एडवांटेजेस है जो आपको आगे आने वाले वीडियोस में मिलेंगे, मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, बट एटलीस्ट आप रिएक्ट वर्जन 19 आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर आप कैसे यूज कर सकते हो मैं बताता हूँ। देखो व्हाट वी नीड टू डू, कभी भी कुछ भी डाउट आता है तो आप सबसे पहले यहीं पर ही देख सकते हो, चीजें बहुत सारे हैं यहाँ पे। वी नीड टू इम्पोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम आवर स्टाइल्ड कंपोनेंट, वी नीड टू जूम कर देता आप लोगों के लिए, ठीक है। वी नीड टू इम्पोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम, आपको लिखना होगा एंड यहाँ पे आपको स्टाइल्ड कंपोनेंट कुछ इस तरीके से लिखना है, दिस इज इट। अब मेरे पास ऑलरेडी PPT है, ऑलराइट गाइस, तो मैं अब आपको फटाक से PPT में लेके आता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, स्टाइल कंपोनेंट को करने के दो तरीके हैं, आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक है आपका टेम्पलेट लिटरल्स, दूसरा आपका स्टाइल ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट लिटरल्स समझते, जहां पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कॉन्स्ट बटन, ठीक है, देन वी हैव दिस इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट बटन एंड फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए वी हैव वन बैकटिक एंड उसको हम क्लोज भी कर रहे हैं बैकटिक से। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका आ जाता है अंडर टेम्पलेट लिटरल्स। तो ये जो कॉन्स्ट एंड देन आपने जो ये बटन लिखा है इक्वल टू फिर स्टाइल डॉट बटन लिखा है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सिंटेक्स। बाकी ये जो चीज आपको दिख रहा है ये तो सिंपल आपका CSS है जो आप नॉर्मली करते हो। तो यहाँ बहुत क्लियर देख सकते हो क्या लिखा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये वाला जो पर्टिकुलर चीज आपको दिखाई दे रहा है ये जो बटन, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये क्या चीज है, तो मैं बताना चाहूंगा गाइस ये आपका एक स्टाइल्ड कंपोनेंट भी है, आप इसको एक रिएक्ट कंपोनेंट भी कह सकते हो। देखो ना, दिस इज ए स्टाइल्ड कंपोनेंट व्हिच इज अ रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएटेड यूजिंग द स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, समझे। इट इज बोथ अ रिएक्ट कंपोनेंट एंड अ स्टाइल कंपोनेंट। एज अ रिएक्ट कंपोनेंट इट कैन बी यूज्ड इन JSX, एज अ स्टाइल्ड कंपोनेंट इट हैज styles directly attached to it. तो React component भी है, आपका style component भी है। React component होने का फायदा ये है कि आप इसको directly आप JSX के अंदर लिख सकते हो। Style component होने का फायदा ये है कि इसमें already आपका CSS का जो styles है वो already इसमें attached है। तो दोनों advantage आपको मिल गए। So this is the constant आपको भी variable को जब define करते हो। But here we are using our styled component को define करने के लिए constant, ठीक है। Constant आपका React कंपोनेंट का नाम
इक्वल टू ये जो स्टाइल्ड, अब ये स्टाइल डॉट बटन क्या है, ध्यान से देखो, स्टाइल्ड ये जो स्टाइल्ड है ये एक आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आपको स्टाइल कंपोनेंट लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है। उसके अंदर ये जो आपका बटन है वो एक फंक्शन है, वो एक मेथड है जो ये कॉल कर रहा है। सिंपल, एंड एक सिंपल भाषा में मैं आपको अगर ये बताऊं तो ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नथिंग बट योर टैग नेम। टैग जैसे H1 टैग, पैराग्राफ टैग, बेसिकली P टैग, IMG टैग, एंकर टैग, LI टैग, वैसे बटन वी हैव अ टैग। सो ये जो भी बटन को आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। सो स्टाइल डॉट आपको टैग का नाम देना है एंड उस पर्टिकुलर टैग का आप एक कंपोनेंट बना रहे हो ताकि उस जगह पे आप इस कंपोनेंट का यूज कर सको एंड जो भी स्टाइल आप दोगे यहाँ पे वो वहां पे अप्लाई हो जाएगा। सिंपल, ये एक इसका तरीका ये है। एंड दूसरा, वी हैव दिस स्टाइल ऑब्जेक्ट करने का तरीका सेम वही है। ऑल राइट, तो गाइस मैंने उसको क्लियर कर दिया है, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कंफ्यूजन रहे, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जब भी आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो तो यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए एंड बेसिकली हम जो नॉर्मल पहले जिस तरीके से कर रहे थे सेम वही है, बट आपका ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सो आई होप गाइस आपको ये दो तरीके पता चल गए स्टाइल कंपोनेंट के साथ खेलने का, है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, आपको मतलब मजा आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस स्टाइल, एक चीज आप देख सकते हो ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है। फटैक से क्यों ना मैं ये जो बटन स्टाइल जो हमने क्रिएट किया था, कहाँ की क्रिएट किया, यहाँ पे स्टाइल्स पे याद है, इसको मैं स्टाइल कंपोनेंट बना देता हूँ। कैसे, देखो ये एक क्या है, ये आपका एक बटन है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसी सेम पीस ऑफ कोड को मैं यहाँ पे क्या कैसे करता हूँ, देखो कॉन्स्ट लेट्स से बटन, आप कुछ एक काम करता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैं बटन थापा कर देता हूँ। इक्वल टू वी हैव दिस स्टाइल्ड डॉट, अब यहाँ पे ना आपको प्रॉपर टैग का नाम देना पड़ेगा, ये अपना एक बटन है। एंड सेम यही इस तरीके से, एंड देन वी हैव दिस ऑब्जेक्ट एंड उसमें ये जो पीस ऑफ कोड है इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो, समझ रहे। इसको फिलहाल अभी हटा दो एंड ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको ऐसे करके मैं कमेंट कर देता हूँ, दिस इज इट। तो पहले जो था कॉन्स्ट, जो भी आपका वेरिएबल का नाम हो एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने इस कोड को लिखा, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ स्टाइल्ड कंपोनेंट आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्ट आपका रिएक्ट कंपोनेंट या स्टाइल्ड कंपोनेंट का नाम लिखना एंड मेक श्योर कैपिटल हो, एंड देन स्टाइल्ड आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बटन फंक्शन या मेथड को कॉल कर रहे हो एंड उसके अंदर ये सारे प्रॉपर्टी सब आ चुका है। बस अब आपको ये वाला जो कंपोनेंट है इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके इसके नीचे चलता हूँ एंड इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, इसको मैं हटाऊंगा एंड मुझे ये जो बटन है इसके बदले मुझे ये वाला बटन थापा यूज करना पड़ेगा, दिस इज इट। तो गाइस ये है तरीका स्टाइल कंपोनेंट यूज करने का, जहां पे आप इवन दैट एलिमेंट जो है आपका या जो टैग है उसको भी आप एक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हो। सो नाउ रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट एंड स्टाइल कंपोनेंट बनाए इसलिए था कि भाई जो CSS भी दे रहे उसको भी कंपोनेंट ही बना दो ना, जो आपका JSX है उसको भी कंपोनेंट कर दो, जब कंपोनेंट की बात हो ही रही है। तो इस तरीके से गाइस आप जो है ऑब्जेक्ट कंपोनेंट का यूज करके इसको करते दे। अभी अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे देखना गाइस कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है, इट जस्ट आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, CSS मॉड्यूल्स या स्टाइल कंपोनेंट। बट हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि स्टाइल कंपोनेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इनबिल्ट प्रॉपर्टीज, मेथड्स, मतलब मजा आ जाएगा, इतनी सारी थीमिंग, बहुत सारी चीजें, ठीक है वहां पे। तो ये एक तरीका हुआ, इसी को ही ये मैं आपको बताता हूँ कि सेम मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं आऊंगा टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से करके बताता हूँ। नाउ वी नीड टू यूज द टेम्पलेट लिटरल्स इस तरीके से एंड यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, अब जब भी आप टेम्पलेट लिटरल्स यूज करते हो ना वहां पे अब आपका एक कॉमा काम नहीं करता है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी आप टेम्पलेट लिटरल्स लिखते हो तो अब आपको इमेजिन करना है कि आप एक प्योर CSS लिख रहे हो। तो नॉर्मली आप जैसे CSS लिखते हो बस आपको बस अब उसी तरीके से लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इनकी 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 किसी की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है एंड ये जो कॉमा है ये जहां जहां कॉमा है कॉमा के बदले सेमी कॉलम मुझे लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए ये जो बैकग्राउंड कलर है, जब भी आप प्योर CSS लिखते हो हम कभी भी इस तरीके से बैकग्राउंड कलर नहीं लिखते। बैकग्राउंड कलर का लिखने का सही तरीका क्या है, बैकग्राउंड ये एंड देन कलर, इस तरीके से एटलीस्ट ये ठीक हो गया। अब गाइस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है एंड दैट इज कि ये वाला जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, आप इमेजिन करो कि आप इस नॉर्मल CSS में, ठीक है, आप जस्ट इतना इमेजिन कीजिए कि आप एक प्योर CSS लिख रहे हो। आप प्योर CSS में कभी ये कर सकते हो, आप प्योर CSS में कब आपने टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर दिया बताओ मुझे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, राइट।
तो अब मैं क्या करूं, यहाँ के तो मैं फंस गया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टाइल कंपोनेंट हमें एक प्रॉप्स देता है, जहां पे इन स्टाइल कंपोनेंट्स यू कैन पास अ फंक्शन विद इन द टेम्पलेट लिटरल्स टू डायनेमिकली सेट सीएसएस प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन प्रॉप्स और स्टेट। आई होप ये लाइन का मतलब आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे जो रेटिंग है इसकी वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको पास करता हूँ एज अ प्रॉप्स और एज अ स्टेट। ठीक है, फिलहाल अभी हमने स्टेट पढ़ा नहीं, तो हम एज अ प्रॉप्स चलते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रॉप्स पास कर देता हूँ जिसका नाम होगा रेटिंग, जिसके अंदर मैं ये रेटिंग जो है वो पास कर दे रहा हूँ। नॉट रेटिंग क्लास, इट्स अ रेटिंग ओनली। या हियर वी हैव दिस रेटिंग, या यहाँ पे रेटिंग है। मुझे ये देखना है कि रेटिंग कहाँ से ले रहे हैं हम लोग। ओवर हियर, या वी हैव अ रेटिंग ओवर हियर। ठीक है, अब बस इतना हमने प्रॉप्स पास कर दिया, सिर्फ रेटिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम आते हैं तो सभी ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह को ध्यान से देखिएगा, खाली आप ये बैकटिक हटाओ। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, बस आपको यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देना है। एंड यहाँ पे वो जो प्रॉप्स हमने पास की थी मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ। प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट आपका ये हो जाएगा रेटिंग, एंड दिस इज इट। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है गाइस, इसको आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको ये कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा, एंड या दिस इज इट। सो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, एक तो ये तरीका है, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू जाओ, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको टेम्पलेट लिटरल्स यूज करना है देन यू कैन गो विथ दिस वे। एंड यहाँ पे एक चीज आपको ये पता चलता है कि अब हम प्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि स्टाइल कंपोनेंट हमें प्रोवाइड कर रहा, ताकि इस तरीके का जो डायनेमिक वैल्यू जो है उसको हम एक्सेस या गेट कर सके। ठीक है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी, इसलिए मैंने इस वीडियो में रखा इसको, ताकि मैं दिखा सकूं कि डायनेमिक वैल्यूज को कैसे हम खेल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बटन थापा है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट जो है वो एज इट इज हमें आने वाला है। ऑल राइट गाइस, तो एक चीज हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है, जो कि बेसिकली आपका फॉन्ट साइज है। तो अगर हम देखते तो वी हैव दिस फॉन्ट साइज ओवर हियर बराबर। एंड हाँ, एक और प्रॉब्लम है, फॉन्ट साइज हम ऐसे नहीं लिखते, फॉन्ट हाइफन साइज होता है वो। फॉन्ट वेट है, फॉन्ट हाइफन वेट होता है, समझ रहे हो। तो जब भी आप टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से स्टाइल कंपोनेंट, आई मीन स्टाइल कंपोनेंट अगर आप लिख रहे हो यूजिंग टेम्पलेट लिटरल्स, मेक श्योर जैसे प्योर सीएसएस आप लिखते हो वैसे ही आपको इसको भी लिखना है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सब बराबर अपना ये काम हो गया। तो कैसा लगा गाइस आपको, स्टाइल कंपोनेंट था ना ऑसम? एंड ये तो सिर्फ एक झलक है आपको दिखाने के लिए कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, सबका नॉलेज होना जरूरी है। एंड रही बात ये जो रेटिंग है हमारी, चलो इसको मैं रेटिंग कर देता हूँ, अब इसको भी हम करके देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं। ऑलरेडी एक रेटिंग तो हमने यहाँ पे दे रखी, तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको एज इट इज रहने दीजिए। दूसरा रेटिंग, कॉन्स्ट रेटिंग, यहाँ पे हम सॉरी इस तरीके से नहीं, स्टाइल डॉट क्या था वो, एक H3 है हमारे लिए। ठीक है, एंड आई गेस इट विल बी बेटर अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ ही चल दे, आई मीन टू से टेम्पलेट लिटरल्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको CSS लिखना रहता है। सो यहाँ पे आप फॉन्ट का जो साइज होगा, ठीक है, फॉन्ट साइज, बस प्रॉब्लम है कि गाइस हमें सजेशन नहीं आ रहा, काश आ जाता। एंड एक काम करता हूँ, किस लिए मेहनत करना है ना, मेरे पास ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है। तो फॉन्ट साइज इतना, कलर रेड, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने ये किया हुआ है। एंड लेट्स डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ कलर रेड, ये वाला जो कलर है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, एंड देन इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, दिस इज इट। तो मैंने क्या किया कि H3 को मुझे स्टाइल करना था। अब आप खुद सोच सकते हो, या तो मैं क्लास देके, क्लास नेम देके ये वहां पे रख सकता हूँ, या तो मैं इनलाइन CSS यूज कर सकता था, एल्स मैं अब ये जो रेटिंग है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो रेटिंग मुझे कुछ इस तरीके से मिल गई है, आप देख सकते हो, है ना। तो गाइस या दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। एंड मैंने ये जो दिखाया ना, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, सिर्फ एक झलक है, ताकि आप लोग अपने सिस्टम पे स्टाइल कंपोनेंट का यूज कर सको। हालांकि मैं स्टाइल कंपोनेंट के अंदर पूरा सीरीज कंप्लीट कर चुका हूं, तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। रिएक्ट में पूरा एक वेबसाइट बना चुका हूं यूजिंग स्टाइल कंपोनेंट, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बट एटलीस्ट ये देख के आपको पता चल गया कि हम स्टाइल कंपोनेंट को कैसे कर सकते थे। ठीक है, सो गाइस कल का वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश में मैं टेलविंड सीएसएस को कैसे आप रिएक्ट में यूज कर सकते हो वो बताऊंगा। बट स्टाइल कंपोनेंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत काम किया, लिटरली 2 साल तो स्टाइल कंपोनेंट में ही काम की थी मैंने, तो मैं कह सकता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क है गाइस व्हेन इट कम्स टू योर स्टाइलिंग इन रिएक्ट। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए, इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आएगा। बाकी की प्लेलिस्ट को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज चेकआउट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज गाइस आखिरी दिन है 99 रुपीज में 3 दिन का एक्सेस पाने का, लाइव एक्सेस,
आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट, हमारे इंस्ट्रक्टर से कनेक्ट, हमारे 3 दिन का आप जो क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज में। एंड एक स्पेशल ऑफर भी है जो एट द एंड में मैं आपको बताऊंगा, आई मीन ऑलरेडी तो वीडियो में बता चुका हूँ, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, एनरोल नाउ गाइस, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर, एंड टिल व्हेन सेस क्लिक नेक्स्ट एक्साइटेड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। सो मिलते हो कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।